ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, मिट्टी से बनी हुई है और उसके ऊपर सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि हिस्टोरिकल प्लेसेस का आपको एक्सेस मिल जाएगा। ये रेलियाँ हैं, रेली जो पहनते हैं हम कपड़ों से उनके लिए सोने के लिए। सिर्फ देखने के लिए एक ये कहाँ की है? बोट की। कहाँ की है? खैरपुर मीरस। खैरपुर मीरस हर शहर के अलग अलग है। ये खैरपुर मीरस की रैली है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये सारे हाथ से बनाई है, मशीन से नहीं है। बेचने के लिए नहीं है, बेचते हो? बेचने के लिए स्टॉल लगाया यहाँ। अच्छा, वो तो कह रहा है बेचते नहीं है। कितने की रैली है? जी 20,000 एक। ये हर सिटी के हिसाब से अलग अलग स्टॉल बने हुए हैं। उमरकोट है, ये कराची की रैलियाँ हैं, सब यहाँ पे रैलियाँ होती हैं कराची के लिए। यहाँ पे कोई नहीं है, सब खाली पड़ा हुआ है पूरा स्टॉल, लगता है पानी पीने गए हैं। आगे देखते हैं क्या 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 बिकता है। ये खुलता कैसे? ये हो गया। ये पिंडी है, पिंडी इसमें रोटी खाते हैं। पड़ी हुई है रैली, आप देख सकते हैं। ये रैली जो है सिंधी कल्चर में यूज़ की जाती है और सिंध में काफ़ी बीमारी यूज़ की जाती है। ये बदीन की रैली है, बदीन से बनाई है इन लोगों ने और बदीन का डिज़ाइन है पूरा। ये मीरपुर खास की है, मीरपुर खास के जो ट्रेडिशनल है सिंधी कल्चर,
ये उस्ताद की रिलियाँ बनाई गई है, ये आप लोग देख सकते हैं डिज़ाइन इनका। ये खैरपुर से हैं, ये स्टॉल लगा हुआ है खैरपुर का। तो हर सिटीज़ के हिसाब से अलग अलग बने हुए हैं, रैलियाँ हैं सारी खैरपुर की। ये डिफरेंट कलर की रिलियाँ पड़ी हैं हैदराबाद की साइड से, आप देख सकते हैं। और गाज भी है पड़े हुए हैं हैदराबाद के सिंधी ट्रेडिशनल कल्चर के, सकते हैं मिट्टी के गज और रिली। माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही बढ़िया आइटम रखे हैं, जैसे कोई होलसेल मार्केट में आए हुए हैं इनके पास ये। और माशाल्लाह बड़े अच्छे डिज़ाइन हैं इनके गज और कोटी मिट्टी के, ज़बरदस्त बने हुए। ये मिट्टी उमरकोट की साइड है, बड़ा डिजर्ट्स एरिया है, वहाँ के सारे ये डिज़ाइन और ट्रेडिशन कल्चर से हैं मिट्टी। तो शदाबकोट में भी काफ़ी सारे डिज़ाइन चलते हैं सिंधी कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से। तो ये लोग यहाँ पे भी सेल आउट करने आए हैं, अपनी मार्केटिंग करने आए हैं। कपड़े हैं डिफरेंट क्वालिटीज़ और डिफरेंट कैटेगरीज़ की। और ये हैं शिकारपुर के आप गज और रिलीज और ट्रेडिशन कल्चर देख सकते हैं। शिकारपुर में भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बनाए जाते हैं सिंधी ट्रेडिशन कल्चर के, यहाँ पे भी कोई नहीं बैठा हुआ, सब लोग। एंड दिस इज़ द ग्रेट सिटी लाड़काना, माई सिटी लाड़काना। तो फाइनली लाड़काना का भी आ गया स्टॉल, जो कि आपके ड्रेसेस और गज और कपड़े मुख्तलिफ कलर के डिज़ाइन किए हुए, मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग के यहाँ सेल आउट के लिए और जो है ना रखे हुए हैं इस फेस्टिवल में। इसके बाद है ठट्टा की मुख्तलिफ वैराइटीज़, और ठट्टा की आप गज वगैरह दे सकते हैं डिज़ाइन एंड पर्दा ठट्टा के ठट्टा। और ये है कोटड़ी, तो ये है कोटड़ी के हिसाब से सारा बना हुआ, कोटड़ी के हिसाब से गज और कपड़े कोटड़ी के डिज़ाइन के हिसाब से मुख्तलिफ साफ बने हुए हैं पड़े हुए हैं। अगेन शदाबकोट के मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग कलर्स के ड्रेसेस आपको नज़र आ रहे हैं, शदाबकोट के मुख्तलिफ डिज़ाइन के कल्चर। ये है सक्खर से आप लोग काफ़ी सिंधी आते हैं, सक्खर से आप चीज़ें ले सकते हैं। और सक्खर की चीज़ें काफ़ी पड़ी हुई है यहाँ पे, गज और पर्स वगैरह। ये देखें ये पर्स है, इसमें पैसे डालते हैं लोग, औरतें जो हैं सिंधी जो है ना इसमें पैसे डालते हैं अपने डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आता है बद्दीन की मुख्तलिफ कलर की डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह इन गरीब औरतों ने। बद्दीन से आए हो, सिंधी आए हो? ये लोग बद्दीन से आए हुए हैं, अपना का डिज़ाइन किया हुआ मैंने, बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ इन्होंने, बढ़िया। ये है मीरपुर खास की डिज़ाइन है आप लोग देख सकते हैं, गज बने हुए सारे।
कारखाना कारखाना की मुख्तलिफ वैराइटीज आप देख सकते हो। और ये कारखाना के मुख्तलिफ डिज़ाइन के कपड़े पड़े हुए हैं जो सिंधी कल्चर के हिसाब से सक्कर का फिर से आ गया सक्कर के कपड़े रिपीट हो रहे हैं शर्ट काफ़ी सारे सिटी का जो है ये बना हुआ है सिंधी टोपियाँ। हमारी तो होलसेल की दुकान है लालकाने में माशाल्लाह, तो हमें तो ज़्यादा पता है सिंधी टोपियों का, ये सिंधी टोपियों का ट्रेडिशन है। और ये अजरक सिंधी टोपियों में पहनना जाता है तो ये भी अच्छा ही बड़ा स्टॉल लगा हुआ है। ओके मिट्टी मिट्टी की तरफ से ये बड़े ज़बरदस्त बने हुए हैं। और लोग जो है वेज बैठा होगा वहाँ मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। ये शिकारपुर की सारी ट्रेडिशनल डिज़ाइन है तो आप लोग देख सकते हैं सारे घर शिकारपुर के। मिट्टी का जो है ना डिज़ाइन और सिंधी कल्चर जो है ट्रेडिशनल आप लोग ये चीज़ें हैं सारी मटियारी मटियारी के हिसाब से अजरक जो है ना डिफरेंट कलर के अजरक हैं मटियारी के, ये लोग सेल किए जा रहे हैं और आप लोग देख सकते हो। थानो बुला खान, पता नहीं थानो बुला खान ये कोई जेल का नाम है क्या, तो ये थानो बुला खान का डिज़ाइन है ये आप लोग देख सकते हैं। इन औरतों ने मेहनत करके अपने हाथों से बनाए हुए हैं और यहाँ सेल कर रहे हैं। ये चीज़ें बड़ी मशहूर है सिंध के हिसाब से, ये आप लोग देख सकते हैं। ये कितने का है, इसकी प्राइस है 1200 रुपये, 1200 का है ये, 1200 का है सही है, आप लोग देख सकते हैं सब पे प्राइस लगी हुई है। और ये उनका डिज़ाइन है जैकबाद, तो अब आप देख सकते हैं जैकबाद का बलोची एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी क्या है, ये बलोच कौम की अपनी एक सकाफत है, उनकी ये ट्रेडिशनल कल्चर हैं सारे, तो ये उनके डिज़ाइन है सारे। इनके पैसे भी लिखे हुए हैं 2500 का ये आप देख सकते हैं, उनके मुख्तलिफ कलर के बलोच ट्रेडिशन के बने हुए हैं। तो व्यूअर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, मज़ीद हम देखते जा रहे हैं कि क्या क्या यहाँ मिल रहा है। ये पता नहीं क्या क्या भेज रहे हैं, ये पता नहीं क्या है, देख सकते हैं आप लोग। ये किचन का सामान है, किचन के काम आता है उनका सामान सारा, हैंड एम्बोर्सन में है जो कराची के मुख्तलिफ डिज़ाइनों में किए जाते हैं। ये ज्वेलरी है आप देख सकते हैं, अगेन की चीज़ें ये सारी जो है ना दिखाई जाती हैं। हाला हाला के अजरक, ये हाला है, हाला के अजरक और डिफरेंट टोपियाँ मशहूर होती हैं आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगेन शदादपुर के ये खाली पड़ा हुआ है तो उनका सिंधी टोपियाँ रखी हुई उन्होंने, और खैरपुर खैरपुर के लुंगी और खास खैरपुर की लुंगी जो रात को सोने में पहनते हैं, ये बंदा दिखा भी रहा है आपको अपनी मेहनत लुंगी और खास। फोटो दिखाई फोटो दिखाई फोटो में खैरपुर की लुंगी पहनी हुई है, तो ये भाईजान मेरे साथ हैं, पहले बंदे हैं जिन्होंने पहना ही है और बड़ी अच्छी सकाफत है इनकी। आपका नाम क्या है? गुलाम अल मला खैरपुर से आए हैं जी हाँ। तो ये लुंगी कितने की है? ये 2000 है, ये लुंगी 2000 की है, लोग पहनते हैं, इनका कल्चर है डिज़ाइन है और इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो भजन मैं तो घूमने आया, तो मैं तो परचेज़ करने नहीं आया हूँ, और अब ये सारा देख सकते हैं लुंगी बड़ी अच्छी है, बड़ी बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोग का। लुंगी और खेस मैंने 800 रुपये में, अब पता नहीं इसका क्या करना है, पहनना है जो भी है,
खास तौर पर मैं खैरपुर का लिया है, खैरपुर जो खास होती है उसका डिज़ाइन है। और अजरक सिंधी देख सकते की कल्चर की अगेन वही चीज़ें जो पुरानी आप लोग देख सकते हो, सिंधी टोपियाँ और सिंध के जो है डिफरेंट ट्रेडिशंस जो होती हैं। सिंध में बच्चों के खिलौने ये इस तरह होते हैं, मिट्टी से बना के फिर इसको सेल आउट करते हैं। कपड़े हवा में कबीर भाई, आप काफ़ी लोग कहते थे कि मुझे विज़िट करनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये मैं कांटेक्ट जो है ना एड्रेस शेयर कर रहा हूँ, जब भी पाकिस्तान आना हो तो आप इसके अंडर में काफ़ी विज़िट कर सकते हैं। आप जब भी आएँ, ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए भी सर्विस है, फॉरेनर्स के लिए जो भी हो। ये है सिंध टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट से, तो सिंध की तरफ से ये क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या टूरिज्म कल्चर टूरिज्म सेल कर रहे हो या सिर्फ दिखा रहे हैं? सर ये ब्रोशर्स हैं। अच्छा, के लिए सेल के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग है। आज तो ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सिंध टूरिज्म एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्टॉल लगाया गया है, जो कि सिर्फ जस्ट फॉर मार्केटिंग पर्पस, और कोई सेल आउट नहीं है वो अपने मरकज़ के लिए। तो क्या देना चाह रहे हैं आप मुझे इनमें से? सर आप ब्रोशर्स ले लें हमारे, ये टूर पैकेजेस हमारे पास हैं। ये ब्रोशर्स देखें, ये टूर पैकेज है, मुख्तलिफ कल्चर डिपार्टमेंट के ये काम है इनके, माशाल्लाह बड़े बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया उन्होंने आज बनाया हुआ प्रोग्राम सारा, सिर्फ कल्चर और टूर डिपार्टमेंट सरदार शाह के अंदर सुपरविजन में चल रहे हैं। और दिखाएँ सर, ये कराची का टूर का, इसमें क्या होता है कराची का टूर? सर ये हमने टूर पैकेजेस रखे हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम फैमिलीज़ के लिए, हम कराची में यही जगह आपको घुमाएंगे, इसमें हमारे बैकसाइड पे जो है मिनट टू मिनट प्रोग्राम है और पैकेजेस हैं, सारे पैकेजेस हैं, आप कराची विजिट कर सकते हैं विथ मी और सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट भी है। तो ये गवर्नमेंट के अंडर में होगा ना? जी सर। तो भाइयों ये बहुत ही बड़ा सर्विस है गवर्नमेंट के अंडर में, और सिक्योरिटी के हिसाब से बड़े फॉरेनर्स जो भी लोग आते हैं हमारे दोस्त पूछते रहते हैं, उनके लिए तो काम की चीज़ मिल गई। और प्राइस जो है ग्रुप वाइज लिखी हुई है 35,000 पर पर्सन ईच ग्रुप। इनकी कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल, हमारी ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इसी ब्रिज प्लाजा में हमारा ऑफिस है गवर्नमेंट का। आप देख सकते हैं कांटेक्ट नंबर और वेबसाइट और ईमेल एड्रेस, आप लोग जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइस भी मुनासिब है ना सर? इसमें सबसे लास्ट लिखा हुआ है हम लोगों ने इंक्लूडेड सर्विसेज। तो व्यूअर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं आप लोग देख सकते हैं बड़ी बढ़िया सर्विस है, ज़बरदस्त है, और प्राइस भी बहुत कम है टूरिज्म के हिसाब से। अगेन दोबारा नंबर आ गया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे। डिपार्टमेंट की पेन ये भी पेन देखें, कल्चर डिपार्टमेंट कहते हैं गवर्नमेंट काम नहीं करी, माशाल्लाह पेन तो दे रही है तो लोग जो है ना मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो भाई गवर्नमेंट दे रही है तो ऐसा ना करें आप लोग भी। तो गवर्नमेंट बिल्कुल काम करती है, लेकिन हमें निगलेक्ट करने की नहीं आदत होती है, यही मसला है ना। तो ये लोग कह रहे हैं कि जब हम अच्छा काम करते हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करते, तो इस वजह से ये डिस्करेज हो जाते हैं। तो माशाल्लाह ये सब कुछ दे रहे हैं, अच्छे हमारे पास है, ये स्तूपा है हमारे पास जो मुइन जो दड़ों से मुंसलिक है, और ये हमारी जो इंटिटियाँ हैं जो हमारे गवर्नमेंट्स के रिजॉर्ट्स हैं, गोरा किल, खोड़ी, खुदा बख्श, मंचर लेक पे, करली चीक पे है भाई, सही से हो के और मुझे झिझक हो के चले जाइएगा। तो मैं भी लोग करूँ तो उन्होंने कहा यूट्यूब पे लगा और वीडियो भी बनाओ, मैं तो फर्स्ट टाइम आया, अच्छा लगा बड़ा। ये हमारे और रिजॉर्ट्स हैं, शाहजहाँ है, संबारा इन लाड़काना है और बकार लेक, हम तो कहेंगे हमारी इजाज़त के बगैर किसी भी टाइम आ जाए और सर्विसेज हमारी देखें इंशाल्लाह। ये जो आपने तस्वीरें दिखाई इन, ये शाहजहाँ और क्या है, शाहजहाँ मॉस्क, संबारा इन होटल, संबारा इन लाड़काना और दूसरी बकार लेक,
सांगड़ पे लेक पे जो टूरिस्ट आप जो दे रहे हैं वो भी ये भी विजिट कर सकते हैं सर, हर चीज़ पे विजिट, मतलब आउट ऑफ सिटी कराची के अलावा भी, कराची के अलावा रानीकोट आउट ऑफ सिटी है, करली झील आउट ऑफ द सिटी है, मिट्टी का हम बना रहे हैं, नगर पार्कर का हम, ये मटियारी का अजरक और नेचुरल डाई वर्क जो हाथों से बनाया गया हुआ है सारा, हाथों से नहीं मशीन से मटियारी है सारा। ये अगेन थानो बुला खान के डिफरेंट डिज़ाइन और सिंधी कल्चर जो बनाए जाते हैं, ड्रेसेस और गज और जो ये तके हैं, ये तके हैं सिंधी मटियारी के, ये 2000 का तके हैं। ये क्या नाम है इसका? नहीं थानो क्या है ये सर? ये कहाँ पे? कहाँ पे? जाम छोरो थानो बुला खान जाम छोरो के आसपास हैं डिस्ट्रिक्ट में, ये उनका ट्रेडिशनल कल्चर है, आप लोग देख सकते हैं चीज़ें सारी। बद्दीन चुनरी वर्क बद्दीन के हिसाब से, जो तो चुनरी का काम होता है सारा बद्दीन होता है, ये देखें सारा जो है धागों से बनाया गया और ये देखें सफ़ेद जैसे बंदा बैठा हुआ है, बड़ी बढ़िया ज़बरदस्त बनाई है, बड़ी मेहनत का काम है, अजरक पहना हुआ है छोटे छोटे बच्चों के खेलों में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये कैप भी दी जा रही है, ऐसा नहीं है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहे, माशाल्लाह कैप भी दे रहे हैं, वाउचर भी दे रहे हैं, पेन भी दे रहे हैं, ये मैं अभी पहनता हूँ सिंध क्राफ्ट जो आज फेस्टिवल है उसमें, और बहुत ही कैप भी इन्होंने ज़बरदस्त बनाई है, ठीक है मैम भाई शुक्रिया बहुत बहुत, ओके थैंक यू मैडम। ये कोर्सेज हैं जो कराए जा रहे हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट, ये गवर्नमेंट के अंडर में डिपार्टमेंट चल रहा है और ये फीस लिखी हुई है और फीस जो है प्राइवेट से कम है, मतलब तो व्यूअर्स फीस देख सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त कोर्सेज हैं जो कि बहुत कम कराए जाते हैं पाकिस्तान में, और आप लोग काफ़ी लोग देख होटल मैनेजमेंट का या एडवांस फूड प्रोडक्शन का ये कोर्सेज बड़े ज़बरदस्त हैं, आप देख सकते हैं इसमें कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल लिखा गया है, आप देख सकते हैं, ये इनके हैं वाउचर्स, इवेंट मैनेजमेंट, इसके अलावा डिप्लोमा भी कराते हैं ना आप? जी डिप्लोमा भी करवा रहे हैं, सर्टिफिकेट भी करवा रहे हैं, सर्टिफिकेशन भी करवा रहे हैं, डिप्लोमा है हमारा, ठीक है शुक्रिया। इसके बाद कलरी आर्ट्स की डिफरेंट डिप्लोमा है शेफ से, काफ़ी मज़ा आया डिपार्टमेंट सिंध फेस्टिवल डिपार्टमेंट विजिट करते हुए, ये चूड़ियाँ भी मेरे पीछे दिख रही हैं आप देख सकते हो, ये चूड़ियाँ सेल आउट हो रही हैं डिपार्टमेंट में कल्चर में, कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से टोपी भी मुझे दी गई और मैंने ये सामान भी लिया है, और बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस दी है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो मज़ीद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह क्या यहाँ पे है या क्या नहीं है, आइए देखते हैं। चीज़ें देख सकते हैं आप लोग, मिट्टी से बनाई हुई है फिर उसके ऊपर कलर किया गया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं सेल आउट करने के लिए, मार्केटिंग पर्पज़ और प्रमोशन पर्पज़। तो व्यूअर्स बड़ा मज़ा आया आज के इस प्रोग्राम में, आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें कैसा लगा मेरा वीडियो, इंशाल्लाह प्रोडक्ट क्वालिटी आज से तो इम्प्रूव होगी और मज़ीद वीडियो को बेहतर बनाया जाएगा इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं मिट्टी से बनी हुई है और उसके ऊपर कलर किया गया हुआ है, बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत रश हुआ है, मगर फीमेल को दिखाना मुनासिब नहीं इसलिए नहीं दिखा रहा, तो जस्ट फॉर काम जो चीज़ें वही दिखा रहा हूँ।
ये सिंध के जो गांव वाली लाइफ है उनको दिखाया गया है, जैसे भैंसें होती है, काउस होते हैं घर में, पुरानी ज़िंदगी किस तरह गुजरती थी, ये उस घर को मैप किया गया है। एक वर्चुअल आइडिया दिया गया है कि इस तरह पिछले दौर में ज़िंदगी गुजारी जाती थी और बड़ी ज़बरदस्त लाइफ थी, महंगाई नहीं थी। अब महंगाई हो गई, सब लोग परेशान हो गए। और ये देखें, इस दौर में सब लोग घर पे इकट्ठे एक छत पे बैठे थे और बड़ा सुकून होता था, बड़ी आपस में जो है ना रिलेशनशिप होती थी। तो ये बहुत ही बढ़िया दौर था। लेके आए हो हाला? ये हाला की है, ये हाला की आप देख सकते हैं क्रॉकरी, और कुरान की आयतें लिखी हुई है और ये सारी चीज़ें। ये चिपका हुआ है क्या? सारी चाली चीज़ें देखी, तो ये आप भी देख सकते हैं मज़ीद। मैं तो थक गया हूँ बहुत। और ये कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कल्चर डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, बहुत घूम घूम के थक गया हूँ, बड़ा मज़ा आया। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया फंक्शन था, बड़ा फेस्टिवल था। और ये चीज़ें भी खरीदी हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये मैंने खरीदा है। यहाँ से मिला हुआ एक सिंधी कल्चर है और सिंध में इसको पहना जाता है। तो आज मैंने यहाँ से 800 रुपये कर दिया, बड़ा मज़ा आया। और चूँकि आप लोगों का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थोड़ा घुमाया उन्हें।